ग्राम कुटसावली तहसील मोहाली में आता है, जिला है भंडारा। मेरे को तकरीबन 5 साल पहले जब मैं पहली बार शुगर अपना चेक किया था, तो मेरा शुगर जिस डॉक्टर के पास मैं गया उसने चेक किया, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को शुगर है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर के पास जब गया चेक किया, चेक करने के बाद उसने एक चिट्ठी लिखी और दूसरे के पास, दूसरे पैथोलॉजी में भेजा, वहाँ गया मैं। उसने पहले मशीन से चेक किया, फिर पैथोलॉजी में गया, उसने ब्लड से चेक किया। वो बहुत बार ऐसे बॉटल हिलाते था, मेरी तरफ देखते था, बॉटल हिलाते था, मेरी तरफ देखते था। उसने पूछा कि बोले आप लड़ते क्या हो, तो मैंने बोला सर मैं किसानी करता हूँ और थोड़ा सा फील्ड का काम करता हूँ। किसानी करता हूँ तो ट्रैक्टर पे अगर चलाता हूँ तो 15-16 घंटे ट्रैक्टर चला लेता हूँ, और बाइक से चलता हूँ तो 200 से 300 किलोमीटर हो जाता हूँ। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया, क्या हो गया मेरे ब्लड में, ऐसे क्या हो गया। तो मैंने उनको पूछा भी क्या ऐसा विशेष क्या है, तो बोले कुछ नहीं। बहुत बार उसने नीचे से ऊपर तक देखा, फिर मैं वो अपने डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर भी छोटा मोटा ये भंडारे से मेघरे डॉक्टर करते हैं, उनके पास गया, उनको रिपोर्ट बताया, तो बोले कुछ जिंदा कैसा है। बोले क्यों क्या हो गया भाई, तो बोले आपको शुगर जो है वो है 502। तो मैंने बोला सर हाई कितनी रहती है, तो बोले ये 400 को हाई समझते थे हम, ये तो 500 से है। तो उसके बाद ना मैंने तकरीबन 2-3 महीना, मैंने बोला सर क्या करना पड़ेगा, तो बोले आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो सर मैंने बोला मैं शुगर और बढ़ा बढ़ जाए चलेगा मेरे को, लेकिन मैं वो इंश्योरेंस के प्रॉब्लम में नहीं जाता और मेरे को उतना समय है नहीं, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। तो तकरीबन 2-3 महीना मैं उसको खाया, टैबलेट खाया, लेकिन टैबलेट खाकर मेरे को जो रिजल्ट मिला था, जो लग रहा था वो बहुत ही एकदम बेकार। और सब जो पूछने लगे यार तेरे को 502 शुगर है, 502 शुगर है, कैसा होगा कैसा होगा। एक दिन मैंने पकड़ा पूरे टैबलेट और फेंक दी, मैंने बोला जो होगा सो होगा, मेरे को खाना वाना है नहीं। तो तकरीबन 4 साल तक के वो मैं बिना शुगर चला, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मैं फंस गया। तो वहाँ मेरे को शुगर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने जबरदस्ती 15 दिन रखा, और 15 दिन रखने के बाद फिर भी मेरी शुगर 250 से नीचे नहीं आई। मैंने उसको कमिटमेंट किया डॉक्टर को, सर मैंने बोला अगर आप ऑपरेशन आप नहीं करते हो तो मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा, ऐसी करके शुगर खत्म कर दूंगा, करना है तो 250 में करो, इसके बाद मेरे को रहना नहीं है। तो उसने कमिटमेंट किया जो भी होगा मुझे तुम आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन अच्छा हुआ। उसके बाद तकरीबन एक साल के बाद ऐसी एक चीज बैठा था, शिविर लगा था मोहाली में, वो मेरा एक दोस्त है, वहाँ बोले यार अभी तो कम से कम फुकट में शुगर चेक हो रहा है, शुगर चेक कर ले। मैंने बोला तूने पहली बार भी चेक करने को बोला था, अभी भी बोल रहा है, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। उस समय में मेरा शुगर निकला 564। मैंने बोला ठीक है, उसने तुरंत पीला कार्ड बनाया, 1 महीने की दवा दिया, 1 महीना दवा खाया। दवा खाने के बाद भी जो कम होना था, जो मेरे को एकदम ऐसे चिड़चिड़ लग रहा था, मानसिक टेंशन पड़ा था, ये जो लग रहा था ये उसमें हो रहा था। अब उसके बाद में फिर 1 महीना खाया, ठीक किया दवा। उसके बाद हमारे सीनियर, हमारे गुरु, हमारे दोस्त ऐसे घूमते घूमते एक बार हमारा एक छोटा सा ऑफिस है वहाँ आए, बताए कि भाई ये ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है, आप इसको खा के देखिए। चलो ठीक है सर, जनवरी महीने में हमने लिए, उसको मैंने मात्र 15 दिन खाया। 15 दिन खाने के बाद में मैं एक दिन यहाँ एलएनसी आया था, ड्राइविंग करते हुए मेरे को ऐसे सुस्त लगा, मैंने बोला शुगर चाहे बढ़ी होगी या फिर कम हुई होगी। तो एक गौतम सर की पैथोलॉजी है, वहाँ शुगर चेक किया, तो मेरा शुगर उस दिन 273 निकला मात्र 15 दिन में। जो मैं 1 महीना टैबलेट खा के खत्म नहीं हुआ था वो, और दूसरी टैबलेट खाकर जब मैं दूसरी बोतल खाया तो पूरा 2 बोतल के अंदर में मेरा शुगर 140 आ गया, और वो